चैप्टर वन इज डेटा रिप्रेजेंटेशन, चैप्टर वन इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन दे विच की है? सो इहदे च डेटा रिप्रेजेंटेशन जिहड़ा फस्ट चैप्टर है, इहदे सब तो पहला जिहड़ा टॉपिक है डेट इज नंबर सिस्टम। सब तो पहला की चैप्टर जिहड़ा टॉपिक है डेट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, हुण नंबर सिस्टम बारे तुहानू काफ़ी कुछ आइडिया है। नॉर्मली जिहड़े अपने ह्यूमन बीइंग्स हैगे आ जां आपां हैगे आ, आपां नॉर्मली जिहड़ा नंबर सिस्टम यूज करते हैं उस सिस्टम का नाम की है, डेट इज डेसीमल सिस्टम। उस सिस्टम का की नाम है? डेसीमल सिस्टम। डेसीमल, डेसीमीन हुंदा है 10। सो डेसीमल सिस्टम क्यों कहने आपां? क्योंकि इहदे च आपां 10 डिजिट यूज करते हैं। आपां किहड़ी किहड़ी डिजिट यूज करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। सो वी आर यूजिंग 10 डिजिट्स। सो इस सिस्टम नूं आपां की कह देने हैगे आ? डेसीमल सिस्टम कह देने हैगे आ। आपां जदों भी नंबरां दी कोई गल करनी हैगी आ, कोई भी मैथेमैटिकल काम करना आपां, तां आपां की है इह 10 डिजिट्स यूज करदे हैगे, इनकलूडिंग 0 to 9। सो टोटल 10 डिजिट यूज करदे हैगे आ। जिन्हें भी आपां अरथमैटिक काम करने हुंदे आ, अरथमैटिक कैलकुलेशन करनी हुंदी हैगी, सारियां सिर्फ इन्ने नंबर यूज करके ही आपां करदे हैगे आ। ते ये जिहड़ा सिस्टम है, ये सिस्टम च जे कोई नंबर लिखते हैं आपां तो उहदा बेस की है 10। मीनस की है 10 बेस मन्निया जांदा उहदा, क्योंकि इहदे च 10 डिजिट यूज करदे हैगे आ। दूसरा की, क्योंकि नॉर्मली जे आपां इहदा रीजन दा कहीए तां 10 तां क्योंकि अपने 10 फिंगरस हुंदियां हैगियां, इस करके आपां डेसीमल सिस्टम आपां यूज करदे हां, 10 तिकर दा यूज करदे हैगे आ। पर ह्यूमनस बीइंग्स तां आपां कर सकदे हां अपने लई ईजी आ, पर कंप्यूटर जिहड़ा हैगा, कंप्यूटर लई इह ईजी नहीं है भी इन्नी डिजिट्स, क्योंकि कंप्यूटर नॉर्मली की है हाई और लो वोल्टेज काम करता है, 2 डिजिट्स काम करता है। कंप्यूटर च की है? बाइनरी सिस्टम यूज होंदा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम वह होंदा है, बाइनरी मीनस की होंदा 2। सो वह नंबर सिस्टम जिदे विच तुसी 2 डिजिट यूज करते हैं, सिर्फ 2 डिजिट। वो रीज़न की है? कंप्यूटर जिहड़ा जां हाई वोल्टेज काम करता जां लो वोल्टेज काम करता, जिहड़ा हाई वोल्टेज है उन्हूं आपां ऑन कह दिंदे हैगे आ, दूजे नूं ऑफ कह दिंदे हैगे आ। सो आइदर इट इज़ ऑन और ऑफ, जे ऑन एंड ऑफ, ठीक है, ऑन एंड ऑफ 2 केसिस हैगे आ। ऑन नूं आपां 1 कह दिंदे हैगे आ, ऑफ नूं 0 कह दिंदे हैगे आ। सो कंप्यूटर दा जिहड़ा सिस्टम है वह की है? बाइनरी नंबर सिस्टम ते काम करता है। तो जिहड़ा बाइनरी नंबर सिस्टम है उहदा बेस किन्ना हो जाता है? उहदा बेस हुंदा है 2। जिस तरह की डेसीमल नंबर सिस्टम बेस किन्ना हुंदा है? 10 हुंदा है, 10। जिहड़ा बाइनरी नंबर सिस्टम उहदा बेस किन्ना हुंदा है? 2 हुंदा है, ठीक है ना, इह तुहानूं पता ही होगा। सो इह नंबर सिस्टम क्यों आपां अलग अलग यूज करते हैं? सो वही रीज़न है, क्योंकि कंप्यूटर लई ये चीज़ ईजी है, 0 and 1 च काम सारा हुंदा है, 0 and 1 दी फॉर्म च हुंदा है। पर जिहड़े ह्यूमन बीइंग्स आपां नूं ये ईजी लगता इस तरह, ठीक है। पर कंप्यूटर लई की है? ए 2 वैल्यूज ही काम करता है। सो जिहड़ी किसी भी जिहड़ी टेक्नीक हैगी है किसी नंबर नूं रीप्रजेंट करन लई, उहनूं आपां नंबर सिस्टम कह दिंदे हैगे आ। ते सब तो मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम जिहड़ा हैगा उह डेसीमल नंबर सिस्टम है। सो कंप्यूटर दे रिलेटेड जिहड़े हैगे आ, इस तों इलावा भी 2 नंबर सिस्टम होर यूज किए जाते हैं आ। वह कि नंबर सिस्टम है? सो बेसिकली देर आर 4 नंबर, फोर नंबर सिस्टम है। जो 4 नंबर सिस्टम कि मैं दोबारा फिर इन्हों लिख रहा है, डेसीमल नंबर सिस्टम। जिहड़ा डेसीमल नंबर सिस्टम है उहदे आपां डिजिट यूज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
सो 10 डिजिट्स ते जिहड़ा बेस की है। दूसरा जिहड़ा हैगा दिस इज फर्स्ट, सैकेंड जिहड़ा सिस्टम हैगा, चलो आपां डाउनवर्ड चल देंगे, दूसरा सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल दा मतलब हुंदा हैगा एट, ऑक्टल दा नंबर मतलब हुंदा हैगा एट। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम आया जिहदे विच आपां की है एट डिजिट यूज कर देंगे। एट डिजिट दा मतलब की है 0 1 2 3 4 5 6 7। सो कोई भी ऑक्टल नंबर आ उहनूं आपां रिप्रेजेंट करन लई की कर देंगे, जिवें सपोज 23 है, ये वैसे तो डेसीमल नंबर सिस्टम च भी आता है, पर जे तुसीं ऑक्टल इहनूं कहना है तो इत्थे की है बेस की है एट लिखोगे। दिस इहदे च की है 8 9 डिजिट यूज नहीं कीती जांदियां, सिर्फ की है टोटल 8 डिजिट यूज कीती जांदियां 0 2 7, 8 डिजिट्स। दिस इज योर ऑक्टल नंबर सिस्टम। दैन थर्ड है ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਨਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਬਾਇਨਰੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਇਨਰੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਵੈਲਿਊਜ਼, 0 and 1। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ 0 or 1। ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 0 1 1 0 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ 2। बाइनरी मीन्स 2, सो इहदा बेस किन्ना आएगा 2। दैन फोर्थ वन इज हैक्सा डेसीमल, हैक्सा डेसीमल सिस्टम। सो हैक्सा डेसीमल का मतलब की है, हैक्सा मीन हुंदा 6, डेसीमल मीन हुंदा 16। सो तुहाडा की 6 + 10 किन्ना हो गया टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ये की है ये जिहड़ा नंबर सिस्टम है, किन्नी डिजिट यूज करते हो तुसीं, 16 डिजिट यूज करते हैं। किड़ी किड़ी डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो 10 डिजिट हो जाए। उस तो बाद की है, उस तो बाद 10 है, 11। हाँ जी, किसी दिन 14 and 15। ठीक है, सो इहदे च की है 0 to 9 तुसी डिजिट यूज कर देंगे, टोटल 16 हो गया। 0 to 9 टिक 10 11 12 13 14 15 16, पर जो 10 है 10 नूं 10 नहीं लिखा जाता, इहदे च 10 नूं ए लिखते हैं आपां, 11 ਨੂੰ ਬੀ, 12 ਨੂੰ ਸੀ, ਡੀ, ਈ ਐਂਡ ਐਫ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਡਿਜਿਟਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 16। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਂਡ ਐਫ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਜਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਆਰ 16 ਡਿਜਿਟਸ, 0 to 9 and A to F। सो की है आप शॉर्ट लिख सकते हैं 0 to 9 and A to F, वेयर A रिप्रजेंट 10, B रिप्रजेंट 11, C 12 उन्होंने कहते हैं, D नू 13, E नू 14 एंड F 15। सो ये जिहड़े बेसिक जिहड़े ये तुहाडे 4 नंबर सिस्टम हैगे आ। सो हुण इहनां च की है कोई भी नंबर किवें रिप्रजेंट किया जाता है, फिर उन्हों दी कन्वर्शन है, तुसीं ऑलरेडी कीती होई है कन्वर्शन वगैरह? जिहड़ी डेसिमल नंबर हैगा कोई भी नंबर है, उहदे च एक्चुअली की पोजिशनल वैल्यूज हुंदी गी आ, वेटेज हुंदा हैगा, क्योंकि इहदा बेस की हुंदा डेसिमल नंबर दा, बेस जिहड़ा हैगा उह 10 है। डेसीमल का बेस किन्ना है, बेस 10 है। सो जिहड़ी दी पोजिशनल वैल्यूज हैगी है उन्हां दा वेट किस तरह हुंदा है, 10 दी रेज पावर 0, 10 दी रेज पावर 1, 10 दी रेज पावर 2, 10 दी रेज पावर 3, 10 दी रेज पावर 4।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ 2 1 3 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੂ ਵਨ ਥ੍ਰੀ ਹੈ, 2 1 3। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, 3 ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ, 10^0, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ 1 ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ 2 2 × 10^2, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਦਿਸ ਵਨ 2 ਅਤੇ 10^2, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲਏ 3 ਨੰਬਰ, ਪਲੱਸ 1 ਨੂੰ 1 × 10^1, ਫਿਰ 3 ਦੀ ਪਲੱਸ 3 × 10^0। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੈ, 10^0 ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 1। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੇ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ 0 ਕਰ ਦਈਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 1। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ 1। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 × 10^2 800 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 × 100 ਪਲੱਸ 1 × 10 ਪਲੱਸ 3 × 10^0, 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 3 × 1। ਸੋ ਹੈਗਾ 200 ਪਲੱਸ 10 ਪਲੱਸ 3, ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 213। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 213 ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਨੂੰ 10^3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ 0 ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 1 ਵਾਲਾ, ਫਿਰ 2 ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਟੇਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਇਨਰੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਨਰੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ 10 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਇਨਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਬਾਇਨਰੀ 'ਚ 2 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਇਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, 2 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਾਇਨਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਇਨਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਇਨਰੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਬਾਇਨਰੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਬਾਇਨਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ 1 1 0 1, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਾਇਨਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਇਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਆਪਾਂ 10 ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਇਨਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਬੇਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਈਦਰ 1 ਔਰ 0। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 1 1 0 1 ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, 1 1 0 1, ਹੁਣ 1 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, 1 × 2^3 ਪਲੱਸ
वन इंटू टू द रेज पावर टू प्लस यदि मल्टीपल जीरो इंटू टू द रेज पावर वन प्लस वन इंटू टू द रेज पावर जीरो। सो टू द रेज पावर थ्री कितना हो गया एट प्लस टू द रेज पावर टू कितना हो गया फोर, फोर इंटू वन फोर प्लस जीरो ना जिहड़ी चीज़ मल्टीप्लाई करिए जीरो हो जाती जीरो प्लस वन इंटू टू द रेज पावर जीरो हमेशा वन होंगे है वन इंटू वन की है वन हो गया। सो टोटल कितना हो गया एट प्लस फोर प्लस वन इट इज थर्टीन, ठीक है थर्टीन हो गया। सो ता जो बाइनरी नंबर है ये डेसीमल की फॉर्म च किस तरह होया वन वन जीरो वन टू नू किस तरह लिख सकते आप वन थ्री बेस टेन। सो ताड़ी जी वैल्यू कितनी बनी वन वन जीरो वन जो बाइनरी नंबर च है। सो किसी भी नंबर न चाहे बाइनरी च है चाहे ऑक्टल च है उन्होंने वेट ना मल्टीप्लाई करना है। डेसीमल च जो हों बेस कि टेन हों बेस कि हों टू हों सो बाइनरी वैल्यू कितनी होंगी है बेस कितना होता है टू होता है। सिमिलरली सो ये नंबर जो आप बाइनरी टू एक तरह डेसीमल कन्वर्ट हो गया। सो जो भी नंबर कन्वर्ट करना है तो वो वेट ना मल्टीप्लाई करना है। जे बाइनरी डेसीमल करना है तो जो वेट है जिमें टू द रेज पावर वाला है तो वो मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली जी ऑक्टल करना है हूँ जे ये जी कन्वर्शन एक्चुअली होगी है बाइनरी टू डेसीमल हो गई है बाइनरी टू डेसीमल वो लग रही समझ के नहीं ऑडिबल है वो थोड़ा ऑडिबल मैनू भी घट ऑडिबल आ रहा क्यों। सो एक्चुअली जो फोन आ जाता ना